नमस्कार सभी को एवं सुप्रभात। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। तो आज हम पढ़ेंगे 12 अक्टूबर का करंट अफेयर्स, जिसमें हम लोग 11 अक्टूबर में जो कुछ भी घटित हुआ उन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सबसे पहला था जो मैंने कल के वीडियो में पहले ही बता दिया था कि 11 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड था, ठीक है। इसके अलावा अगला सवाल हमारा है कि लूखा रिवर इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। लूखा नामक नदी इनमें से किस राज्य में है? ऑप्शंस हैं आपके असम, नागालैंड, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। आप इसका आंसर करिए। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट सेक्शन में भी पिंड है। आप कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप सीधे टेलीग्राम पर जाके सर्च करेंगे @AmanTrivedi तो भी आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। तो हम बात कर रहे थे कि लूखा नदी इनमें से किस राज्य में है। तो आंसर इस सवाल का हमारा है लूखा नदी मेघालय राज्य में है। अब सवाल ये आता है कि लूखा रिवर को हम यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं। इसका पढ़ने का हमारा कारण है कि हाल ही में मेघालय सरकार ने दावा किया है कि एक डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट ने लूखा नदी को मृतकों में से वापस लाया है। यानी कि लूखा नदी जो ऑलमोस्ट डेड हो गई थी उसको डिटॉक्स किया, उसको सफाई किया और उसकी वजह से वो वापस अपनी उसी फॉर्म में आ गई है। लूखा रिवर कहाँ लोकेटेड है? मेघालय में लोकेटेड है। और जयंतिया हिल्स, अगर आपसे पूछे जयंतिया पर्वत श्रेणी कहाँ है तो जयंतिया पर्वत श्रेणी आपके मेघालय में है, जहां मेघालय की अधिकांश रैट होल कोयला खदानें भी स्थित हैं। तो मेघालय में ये लूखा नदी है जहां पर डिटॉक्सिंग यानी कि नदी को साफ करके उसे वापस लाया गया है उसी फॉर्म में। तो ये एक अच्छी खबर है। इसके अलावा ये जो लूखा नदी है ये लूनर नदी से पानी प्राप्त करता है और नीचे बहने के दौरान नरपू रिजर्व फॉरेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए नरपू रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ है तो ये भी आपका मेघालय में पूछता मिलता है। हमने यहाँ पर बाकी चार ऑप्शंस देखे हैं तो फटाफट उनका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि उनकी कैपिटल वगैरह कहाँ है। तो असम की कैपिटल है आपकी दिसपुर और चीफ मिनिस्टर है यहाँ के इस समय हेमंत बिस्व शर्मा और वहाँ के राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। अगला नाम है हमारा, अगला राज्य हमारा नागालैंड और नागालैंड की कैपिटल है हमारी कोहिमा और चीफ मिनिस्टर वहाँ के हैं नेइफो रियू और गवर्नर वहाँ के इस समय है आरएन रवि। इसके अलावा अगला हमने जो मेघालय पढ़ा, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और चीफ मिनिस्टर है कर्नाट संगमा और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक और कहाँ के गवर्नर है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर और चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू और गवर्नर है वहाँ के बीडी मिश्रा। तो हमने सारे स्टेट्स पढ़ लिए, बाकी आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं। ये सिक्किम की राजधानी हो गई गैंगटॉक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो गई हमारी ईटानगर, असम दिसपुर, शिलोंग में मेघालय शिलोंग हो गया, त्रिपुरा अगरतला, नागालैंड कोहिमा, इम्फाल मणिपुर, मणिपुर की इम्फाल और मिजोरम की आइजोल। यहां से आप फटाफट क्विक रिवीजन कर सकते हैं कैपिटल्स का। अगला सवाल हमारा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, यानी कि राइट टू एजुकेशन इनमें से किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15? तो इसका जवाब है हमारा अनुच्छेद 21 ए। अगेन द क्वेश्चन इज कि यहां पर हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही टिप्पणी की है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की वजह से हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिजिटल डिवाइड बहुत ज्यादा है देश में, जिसके बाद कुछ बच्चों को तो ऑनलाइन एजुकेशन ले पा रहे हैं और कुछ बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इस वजह से ये जो पूरी बाधा है कोविड के पैंडेमिक के चलते हुए, जिसकी वजह से उनका शिक्षा का अधिकार जो है वो आपका प्रभावित हो रहा है। तो अनुच्छेद 21 से बात करता है 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की। ये 86वां संविधान संशोधन था जो कि 2002 में लागू हुआ था, ठीक है। अगर आप में से और किसी को फंडामेंटल राइट्स पढ़ने हैं तो पीडीएफ में मैंने उनको ऐड कर दिया है, आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं, व्हाट आर द अदर फंडामेंटल राइट्स और कौन सा आर्टिकल किसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो आप उनको भी क्विक रिवीजन यहां से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आप में से किसी को डिटेल में पढ़ना है तो आप राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 15 राइट आपके समानता के अधिकार की बात करता है। इसके अलावा 19-21 है सर, पर 21 आपके पर लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी और इन सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। जिसे भी पढ़ना है आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसमें अगर हम ज़्यादा टाइम देंगे तो काफ़ी समय हमारा लग जाएगा। अगला सवाल है मिशन लूशी, मिशन लूशी इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसीज। निम्नलिखित में से किस स्पेस एजेंसी के द्वारा मिशन लूशी को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन हैं आपके नासा, इसरो, जाक्सा या फिर स्पेसएक्स। तो जवाब इस सवाल का हो जाएगा हमारा नासा। नासा ने स्पेस मिशन लूशी को लॉन्च किया है, इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, जाक्सा जापान की है,
SpaceX टेस्ला यानी कि इलॉन मस्क की है, जो कि हाल में काफी नासा के साथ में काम कर रही है। मिशन लूसी क्या है? मिशन लूसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने मिशन लूसी को सेटअप किया है, जो कि जुपिटर ट्रोजन एस्टेरॉइड्स। अभी ट्रोजन एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं आगे जानेंगे। तो बेसिकली जुपिटर के लिए ये मिशन है मिशन लूसी, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट जो है ये एस्टेरॉइड्स को देखेगा जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है, ठीक है। द एस्टेरॉइड नेम इज डोनाल्ड जॉनसन। अब ये एस्टेरॉइड्स कौन से हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आप देखेंगे जैसे मार्स है, ये अर्थ है आपका, मरकरी वीनस, अर्थ, मार्स और ये हो गया जुपिटर। तो यहां पर ये जो आपकी एस्टेरॉइड्स की बेल्ट है, क्षुद्र ग्रह जिन्हें कहते हैं, छोटे 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 ग्रह हैं, इन्हें जो है जुपिटर के अराउंड जो एस्टेरॉइड्स हैं इनके लिए मिशन लूसी लॉन्च किया गया है। तो आप ये यहां पर देख सकते हो व्हाट इज द मिशन लूसी इज अबाउट एंड इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय नासा। जुपिटर क्या है? जुपिटर आपका हमारे सौर मंडल में पांचवां ग्रह है और सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसकी एक खास बात आपको यह ध्यान रखनी है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन्हें जोवियन या फिर गैस जाइंट प्लैनेट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही हैवी गैसेस से बना हुआ है, हीलियम और हाइड्रोजन से, मतलब थिक है उससे आपका। इसके अलावा जुपिटर जो है आपका, जुपिटर हर 10 घंटे में रोटेट करता है, बट टेक्स अबाउट 12 अर्थ ईयर्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट ऑफ द सन, यानी कि एक साल वहां पे 12 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है। और यहां पे आप इसके, और 1979 का वोयाजर मिशन था, उसने ज्वाइंट जुपिटर की फेंट रिंग सिस्टम को डिस्कवर किया था। चलो अगला सवाल हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड राइट टू क्लीन एनवायरमेंट एज अ ह्यूमन राइट, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को मानव अधिकार किस संस्था ने घोषित किया है? ऑप्शंस हैं आपके यूएनओ, यूनेस्को, यूएनएचआरसी या फिर भारत सरकार। तो जवाब इस सवाल का है हमारा आपका यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन ने आपके स्वच्छ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है। और ये अभी काफी मतलब लेटेस्ट डेवलपमेंट है, यानी कि अब यूएनएचआरसी के अकॉर्डिंग आपका स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार एक मानव अधिकार है, एक राइट टू क्लीन एक आपका ह्यूमन राइट बन जाता है। यूएनओ क्या है? यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संगठन को कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी इस समय एंटोनियो गुटेरेस हैं और इसे 1945 में फाउंड किया गया था। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसे भी 1945 में बनाया गया था। इसके अलावा यूएनएचआरसी ने वोट किया है और इसको क्लीन एंड हेल्दी सस्टेनेबल एनवायरमेंट को एज अ ह्यूमन राइट घोषित कर दिया है, ठीक है। यूएनएचआरसी क्या है आपका? यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। इसके अलावा भारत में एनवायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज कौन कौन से हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉ एक्ट है आपका 1972 और आपका जल प्रदूषण के रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम है 1974, वन संरक्षण अधिनियम है 1989, वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1981, पर्यावरण संरक्षण 1986 और राष्ट्रीय हरित अधिकरण, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आप देखते होंगे कि ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है अक्सर आदेश जारी करती रहती है, ये 2010 में बना है। अगला सवाल हमारा है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ G20, चेयरमैन कौन है आपके G20 का? तो जवाब आपका है यहां पर, ऑप्शंस हैं आपके एंटोनियो गुटेरेस या फिर आपका, जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, इनमें से कौन सा G20 का अध्यक्ष है? ऑप्शंस हैं आपके एंटोनियो गुटेरेस, मारियो द्रागी, तेद्रोस अधोनेम और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हमारा हो जाता है आपका कि मारियो द्रागी जो हैं G20 के चेयरमैन हैं। अब यहाँ पर हम G20 की बात क्यों कर रहे हैं? G20 की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी G20 के एक्स्ट्रॉर्डिनरी लीडर्स की समिट होने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी पार्टिसिपेट करने वाले हैं और ये समिट अफगानिस्तान के विषय पर होगी और ये ऑनलाइन कंडक्ट होने वाली है, तो इसका कोई वेन्यू नहीं होगा। G20 में दुनिया की 20 सबसे बड़ी आर्थिक अर्थव्यवस्थाएं हैं और यूरोपीय संघ शामिल है। समूह का उद्देश्य विकास, वित्तीय और स्थिरता और जलवायु परिवर्तन संबंध जैसे प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर समाधान करना है, ठीक है। इसके जो आप मेंबर्स हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, विच आर द कंट्रीज हु आर द मेंबर्स ऑफ इट, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इंडोनेशिया, जापान एंड साउथ कोरिया। तो ये आपके G20 नेशंस हैं, भारत इसका हिस्सा है। इसके अलावा इसमें जो हमने बात करी यहाँ पर एंटोनियो गुटेरेस इस समय हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, यूनेस्को के आपके सॉरी यूएनओ के यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के सेक्रेटरी हैं और टेड्रोस अधोनेम ये आपके WHO के आपके डायरेक्टर हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल हमारा है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली विकसित की गई है? ये काफी आवश्यक सवाल है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड? ई वोटिंग सिस्टम इनमें से किस राज्य ने डेवलप किया है? तो हाल ही में ये तेलंगाना में डेवलप हुआ है। तेलंगाना में आपका ई वोटिंग प्रणाली विकसित की गई है और तेलंगाना, अभी हम इनको बाद में देखते हैं, तेलंगाना स्टेट कमीशन ने आपके, तेलंगाना के राज्य चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और उन्नत कंप्यूटिंग के विकास केंद्र के सहयोग से देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई मोबाइल ई वोटिंग एप्लीकेशन विकसित किया। और ये क्यों किया है? क्योंकि COVID-19 पैंडेमिक में काफ़ी समस्या हो रही थी कि भीड़ लग जाती है जहां पर हम वोट डालने जाते हैं, तो उससे रिलेटेड इन्होंने ये लॉन्च किया है। तेलंगाना ने 6 अक्टूबर 2021 को घोषणा की कि उसने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया जो कोरोना महामारी का सामना कर रहा है, जिसे पूरी दुनिया को सभी डिजिटल संचालन में ले लिया है। तो इस ऐप का नाम है TSEC e-vote नाम से ये ऐप है। तेलंगाना स्टेट कमीशन के ई वोटिंग ऐप है जिसमें आप अपने आप को रजिस्टर करके वोट डाल सकते हैं जैसे कि हम लोग नॉर्मली डालने जाते हैं। तो इसका भी ड्राई रन किया गया है, डमी इलेक्शन करा के ड्राई रन किया गया है आपके तेलंगाना स्टेट में। अब हम देख लेते हैं फटाफट सभी राज्यों के राजधानी और राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो उत्तर प्रदेश के की राजधानी लखनऊ है और मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। महाराष्ट्र की मुंबई राजधानी है और श्री मध्य प्रदेश का लिख दिया है, ये भी मध्य प्रदेश का है। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और यहाँ के CM हैं उद्धव ठाकरे। और शिवराज सिंह जी MP के मुख्यमंत्री हैं और राज्यपाल भी ये MP के ही हैं, मंगूभाई पटेल। ठीक है, आंध्र प्रदेश अमरावती राजधानी है और YS जगनमोहन रेड्डी वहाँ के CM हैं। राज्यपाल हैं हमारे श्री विश्वभूषण हरिचंदन। और तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, इसके हमारे CM हैं K चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलीसाई सौंदरंजन। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, तेलंगाना का एक और फैक्ट है जो कि करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है कि बथुकम्मा फेस्टिवल कहाँ होता है। बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में शुरू हो गया है, यानी कि बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। बाकी जो फेस्टिवल्स है, बोनालू फेस्टिवल, इलोनी मालन्ना जथारा फेस्टिवल, ये फेस्टिवल्स भी तेलंगाना में मनाए जाते हैं। अगला सवाल है, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आर्यभट्ट पुरस्कार किसे प्रदान किया है? तो एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने आर्यभट्ट अवार्ड से किसे नवाजा है? ऑप्शन हैं जी सतीश रेड्डी, अभिजीत बैनर्जी, बी गोपाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब हमारा हो जाता है जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी जी को आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अभिजीत बनर्जी को लास्ट ईयर इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला था और बी गोपाल को हम आगे पढ़ेंगे, इन्हें भी अवार्ड मिला है। नन ऑफ द अबव इसमें से हो जाएगा, ये नहीं होगा, जी सतीश रेड्डी इज द राइट आंसर। और सचिव ये जो हैं सतीश रेड्डी जो हैं ये DRDO, ठीक है, DRDO के चेयरमैन हैं और इन्हें आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर हिज आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम कंट्रीब्यूशन टू प्रमोशन ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स इन इंडिया। डॉक्टर रेड्डी इज अ पायनियर इन द एरिया ऑफ R&D एंड एडवांस्ड एवियोनिक्स नेविगेशन मिसाइल टेक्नोलॉजीज। तो एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर के सिवान, जो कि इसरो के भी डायरेक्टर हैं। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया था 1990 में। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला सवाल, इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ऑप्शंस हैं आपके डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट, गुडियो इम्ब्रेस या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार इन तीनों लोगों को ज्वाइंटली मिला है। डेविड रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए डेविड कार्ड, जो कि US से हैं, के आधे के साथ आर्थिक विज्ञान में सेवरिक्स रिक्स बैंक पुरस्कार देने का फैसला किया है। अन्य आधा संयुक्त रूप से जोशुआ एंग्रिस्ट, जो कि मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी US से हैं, और गुइडो एम्ब्रेस, जो कि जो भी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA से हैं, को कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पदिगत योगदान के लिए दिया गया है। तो ये आपका इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल पुरस्कार, पहली बात तो किसके द्वारा दिया जाता है? रॉयल स्वीडिश अकेडमी के द्वारा दिया जाता है और ये स्वीडन स्टॉकहोम में मिलता है। इसके अलावा हमने पीस प्राइज पढ़ा था, वो ऑस्लो नॉर्वे के द्वारा दिया मिलता है। ठीक है, तो ये तीन लोगों को मिला है, डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट या फिर गुइडो एम्ब्रेस, इनका नाम आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल हमारा अगला है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड सत्यजीत रे अवार्ड? इनमें से सत्यजीत रे पुरस्कार किसे मिला है?
तो ऑप्शंस हैं हमारे बी गोपाल जी को, अमिताभ बच्चन, देविका रानी या रजनीकांत जी को। तो सत्यजीत रे पुरस्कार जो है वो मिला है बी गोपाल को। अभी हमने इनका नाम पढ़ा था, इन्हें सत्यजीत रे पुरस्कार मिला है, तेलुगु फिल्म के जाने माने नाम है। अमिताभ बच्चन को 2018 में दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था और देविका रानी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार मिला था। अगर आपसे पूछा जाए दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहली बार किसे मिला था, तो वो देविका रानी जी को मिला था। रजनीकांत जी 2019 में दादा साहब फाल्के अवार्ड इन्हें मिला था, 20 और 21 में अभी किसी को नहीं मिला है ये आपका अवार्ड। ठीक है, तो जाने माने तेलुगु फिल्म के निर्माता बी गोपाल उर्फ बेजवाड़ा गोपाल को भारतीय सिनेमा में उनके समग्र योगदान के लिए चौथे सत्यजीत रे पुरस्कार के लिए चुना गया है। गोपाल ने 30 फिल्मी तेलुगु फिल्मों में 2 हिंदी फिल्मों का निर्देशन किया है। उन्हें मलयालम फिल्म निर्माता बालू के साथ संगीत निर्देशन और अन्य पैनल के द्वारा चुना गया है। तो तेलुगु फिल्म के ये आपके निर्माता हैं बी गोपाल, इन्हें मिला है। इसके अलावा ये भी आपका फैक्ट है, मलयालम के राइटर हैं, मलयाली राइटर हैं बेन्यामिन, इन्हें वायलर अवार्ड मिला है। जाने माने मलयालम लेखक बेन्यामिन को उनकी पुस्तक मंथलिरिले 20 कम्युनिस्ट वारशंगल के लिए 45वां वायलर राम वर्मा मेमोरियल साहित्य पुरस्कार मिला है। वायलर राम वर्मा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा स्थापित पुरस्कार में 1,00,000 रुपये का नगद पुरस्कार मिलता है। तो ये आपके बेन्यामिन जी को वायलर अवार्ड मिला है। ही इज अ मलयाली राइटर, ठीक है, और मंथली रिले ये इनकी किताब का नाम है। इसके अलावा ये भी एक करंट अफेयर्स का फैक्ट था कि अदुल हसन बनी सदर ईरान के पहले राष्ट्रपति थे अबुल हसन बनी सदर। ईरान के पहले प्रेसिडेंट जो थे उनका निधन हो गया है और वर्तमान में ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रहीसी। तो इब्राहिम रहीसी वर्तमान में ईरान के प्रेसिडेंट हैं और राष्ट्रपति अबुल हसन बनी सदर को इस्लामी क्रांति के बाद ईरान के पहले राष्ट्रपति बने थे, ये इनका निधन हो गया है। ठीक है, अबुल हसन बनी सदर इनका निधन हो गया है, ईरान के पहले राष्ट्रपति थे और ईरान के वर्तमान राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रहीसी। और ईरान की कैपिटल का नाम आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगला सवाल हमारा है कि व्हाट इज द जीडीपी फोरकास्ट अकॉर्डिंग टू फिक्की। फिक्की के अनुसार जीडीपी का भारत में जीडीपी का अनुमान क्या है। फिक्की के अनुसार भारत में जीडीपी का अनुमान क्या है। ऑप्शन है 9.1%, 8.7%, 8.3% या फिर 9.5%। तो जवाब इसका हो जाएगा 9.1%। फिक्की के अनुसार भारत में जीडीपी का जो अनुमान है वो 9.1% है। फिच के लिए हमने कल ही पढ़ा था, वो 8.7% है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 8.3% है और आरबीआई के अकॉर्डिंग 9.5% है। ये हम लोगों ने 2-3 दिन से लगातार, ये कोई ना कोई एजेंसी अपनी जीडीपी फोरकास्ट निकाल रही है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, इसके हेडक्वार्टर हैं न्यू दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट हैं हर्षवर्धन नेउतिया और सीईओ का नाम है संगीता रेड्डी। अगला सवाल है, हु हैज वन टर्किश ग्रैंड प्रिक्स। टर्किश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है, इनमें से किसने तुर्किश ग्रैंड प्रिक्स जीती है। ऑप्शंस हैं आपके वाल्टेरी बोटास, डी रिकार्डो या एम वर्स्टैपन। ठीक है, तो आंसर इस सवाल का हो जाता है हमारा वाल्टेरी बोटास ने तुर्किश ग्रैंड प्रिक्स जीती है। रशियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं लुइस हैमिल्टन और डी रिकार्डो जो हैं वो इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं और एम वेरस्टैपन जो हैं वो डच ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं। तो ये हाल ही में ग्रैंड प्रिक्स हुई हैं, इनके हमने नाम बताया। तुर्किश ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं वाल्टेरी बोटास, रशियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं लुइस हैमिल्टन, इटालियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं डी रिकार्डो और डच ग्रैंड प्रिक्स के विजेता हैं एम वेरस्टैपन। अगला सवाल है, 6S कैंपेन लॉन्च किया गया है, स्वाभिमान समृद्धि संपर्क एंड शिखर संकल्प एंड स्वागत, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन सी बैंक ने इसे लॉन्च किया है। ऑप्शन हैं आपके SBI, PNB, ICICI या फिर HDFC बैंक। तो इसका जवाब हमारा हो जाता है PNB, पंजाब नेशनल बैंक ने 6S कैंपेन स्वाभिमान समृद्धि संपर्क एंड शिखर संकल्प एंड स्वागत इसे लॉन्च किया है। तो पंजाब नेशनल बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में और पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO का नाम है SS मल्लिकार्जुन राव और पंजाब नेशनल बैंक फाउंड की गई थी मई 1894 लाहौर पाकिस्तान में। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरपर्सन है इस समय दिनेश कुमार खरा और फाउंड की गई थी 1955 में। इसके पहले ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी, वो काफ़ी समय पहले अंग्रेजों के ज़माने में बनाई गई थी।
इसके अलावा आईसीआईसीआई हेडक्वार्टर जो है इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा में और आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ हैं संदीप बख्शी और फाउंड की गई थी जून 1994 में वडोदरा में। इसके अलावा हमने एचडीएफसी ऑप्शंस में था तो एचडीएफसी का हेडक्वार्टर है मुंबई में और सीईओ हैं शशिधर जगदीशन, फाउंड की गई थी अगस्त 1994 में। ठीक है, सो आशा करता हूँ जितना बताया है मैंने सभी को समझ में आया होगा। ये हमारे आज दिन भर का सारा करंट अफेयर्स था, सारी चीज़ें मैंने पीडीएफ में आप लोगों के कवर कर दी हैं, सो देर इज़ नथिंग लेफ्ट इन दैट। आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए कुछ चीज़ें मैंने पढ़ाई नहीं, जैसे कि वो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट था उसे मैंने नहीं कवर किया, क्योंकि वो आपका पीडीएफ में पढ़ लेंगे, अगर हम उसे पढ़ने लगे तो करीब एक घंटे का वीडियो उसी पे बन जाएगा। तो वो लोग आप लोग उस पीडीएफ से डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए आप लोग @AmanTrivedi टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।